हमारी सरकार गरीब का सम्मान करती है, किसानों का सम्मान करती है, और भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को सम्मान करती है, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता। एक शिक्षण के हम लोग अभी प्रधानों का सम्मान करते, पहले माँ का सम्मान करता, भाई का सम्मान करता, उनको सहायता राशि दी, अबुआवास भाजपा का महल के बराबर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने कोशिश किया कि खपरा नहीं पक्का घर और उसमें रॉकेट भी दिया जाए, हर तरह का उपाय करें। हमारा मुद्दा है गरीब को आगे जाना, युवाओं को आगे जाना, रोजगार देना, नौकरी देना। भाजपा के लोग एकदम पूरे देश का भाजपा जैसा झारखंड में आता हवस की तरह घूमते हैं, लूटना चाहता है बंदूक के बल पर। अगर सरकार आ गई भाजपा यहाँ, समझ लीजिएगा यहाँ बंदूक के नोक पर आपको लूटा जाएगा, आपके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जल जंगल जमीन समाप्त हो जाएगा। ऐसे बीजेपी परिवर्तन यात्रा को लेकर जामताड़ा पहुंच चुकी है, इस पर क्या कहना? बोले नहीं, भाजपा के लोग परिवर्तन नहीं है, वो तो 25 साल ही पांच साल रहेगा। यार सुन, ये लोग आए हैं चौमिन खाते हैं, ब्रेड बटर, और अभी मैंने कहा मिल्क कॉर्नफ्लेक्स जो होता है हम लोग खाते हैं, घुगनी मोड़ी आलू चाप माल भात, यही खा के हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता को क्या चाहिए? जो आपके साथ घुगनी मोड़ी खाने वाला नेता चाहिए कि मिल्क कॉर्नफ्लेक्स आपको लूटने वाला नेता चाहिए? तो जनता को नहीं करना, मुझे तो एमएलए नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मारपुर भी देख लीजिए आप। लेकिन जो झारखंड की जनता है, जो प्रधान है, या और भी जो समस्या है झारखंड के आदिवासियों का, मूलवासियों का, बैकवर्ड्स का, उनके समस्या पर हमारा नजर हर वक्त रहता है, चाहे हम एमएलए लड़े या नहीं लड़े, एमपी लड़े या नहीं लड़े, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उस हैसियत से हमारी नज़र हर वक्त उनकी समस्याओं पर रहता है। और ये समाज राशि जो है, ये हम सबों का कोशिश रही है, निकल साहब की रही है, मंत्री जी का रहा है, मेरा भी रहा है, और जो जिला के अध्यक्ष हैं अजीत दुबे जी, उनका भी कोशिश रहा है, सब मिलकर इसको कराया है, और भी समाज किया जाएगा आगे चल करके। हमारी सरकार को पहले बनने दीजिए, उसके बाद सर पहले की जो झारखंड राजनीति थी, अभी की जो राजनीति है, आप पहले भी 25 साल जामताड़ा में विधायक के तौर पर रह चुके हैं, इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे? इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखा था मैंने, इतनी गंदी राजनीति जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति कभी हम